गौर सिटी मॉल। तो दीदी और जो मम्मी है वो न्यू ईयर्स पे हमारे यहाँ पे आई हुई थी, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। ये देखिए गौर सिटी मॉल की जो डेकोरेशन थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। हर जगह क्रिसमस पे मैंने देखा रेड और गोल्डन की थीम ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट लिया हुआ था। लाइट स्काई ब्लू सा कलर था और सिल्वर की कॉम्बिनेशन किया हुआ था। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी पूरे मॉल की। ये यहाँ का काफ़ी सुंदर मॉल है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे बच्चों के लिए भी, काफ़ी इन्जॉयमेंट के लिए ट्रेन वगैरह, कार्स वगैरह की राइड्स वगैरह, बसेस वगैरह सब है यहाँ पे, तो बच्चे आराम से इन्जॉय कर सकते हैं। तो अब हम ऊपर आ गए हैं, हमने सोचा कि हम थोड़ा बहुत खाना पीना यहाँ पे फूड कोर्ट में जाके करके, और उसके बाद जहाँ हमने डिसाइड किया है उसके बाद मैं बताऊँगी कि हमने कहाँ डिसाइड करा था कि आज हम वहाँ डिनर करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए क्राफ्ट स्टूडियो भी है, ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे एंटीक चीज़ें मिलती हैं गौर सिटी मॉल में है ये, और बहुत ही सुंदर है ये यहाँ पे क्राफ्ट स्टूडियो। उसके बाद अब हम सबसे ऊपर की तरफ फूड कोर्ट है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आ गए थे, काफ़ी रश था न्यू ईयर्स की वजह से, तो हम वेट कर रहे हैं। हमें सिटिंग भी काफ़ी देर बाद मिली थी, तो हमने सोचा कि अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑर्डर करके और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने सोसाइटी के, वहाँ पे ही हमारा डिनर करने का प्लान था। तो ये देखिए अब हम आइसक्रीम वगैरह ले गए, ये अथर्व से छुपा के खाई जा रही है आइसक्रीम, क्योंकि वो एक बार आइसक्रीम को देख लेता है तो वो खाने की ज़िद करता है, और आजकल ठंड है तो बच्चों को जल्दी कफ कोल्ड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह और आइसक्रीम वगैरह इन्जॉय करके तो हम नीचे आ गए थे। अथर्व को कार की राइड लेनी थी तो हमने सोचा हम भी नीचे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लें, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस की बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, तो हम सब ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ अच्छी अच्छी क्लिक करवाई। उसके बाद ये देखिए इसके पापा अथर्व को ले गए हैं कार की राइड के लिए, वो जब भी किसी भी मॉल जाता है तो उसे कार राइड तो ज़रूरी चाहिए। ये देखिए अब ये अथर्व को इस कार में हमने टिकट लेके और उसको राइड दिलवा दी थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए बस की भी राइड थी, और ऊपर डेकोरेशन आपको मैंने सारी दिखाई है, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी। तो हम इतने देर हम बैठ गए थे क्योंकि मॉल में क्या होता है घूमते घूमते थक जाते हैं, तो हमने सोचा हम इतने रेस्ट करते हैं जब तक अथर्व 2-3 राउंड लगा के आ रहा है गाड़ी के। तो मम्मी मैं और दीदी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ गए थे। तो यहाँ पे सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है, ये जो ट्रीज़ बना रखे हैं इसके नीचे जो है पूरा सिटिंग एरिया है, बहुत सारे ट्रीज़ हैं ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, सॉरी ये बेसमेंट में है, और बहुत सारे ट्रीज़ के नीचे सिटिंग दे रखी है। तो अब हम वहाँ से निकल गए थे, इट्स अराउंड 9 o'clock हम मॉल से निकल गए थे। हमने सोचा कि फिर अब डिनर भी करेंगे वहाँ जाके, तो हमने सोचा अपनी सोसाइटी के वहाँ पे एक राज रेस्टोरेंट है, मैंने पहले भी उसकी वीडियो शेयर करी है एक बार, वहाँ के हमें चुरचुर नान की जो प्लेट है वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हस्बैंड को, तो उनका मन था कि मम्मी को चुरचुर नान खिलाएंगे, क्योंकि चुरचुर नान वहाँ पे एक्चुअली मैदे के नहीं होते हैं, आटे के होते हैं, और बहुत ही अच्छा टेक्सचर होता है, और 2 वेज के साथ वो सर्व करते हैं। तो ये देखिए अब हम राज रेस्टोरेंट आ चुके हैं, तो हमने सोचा कि अब ऑर्डर करते हैं। ये देखिए चुरचुर नान में एक दाल मखनी और शाही पनीर और सैलेड वगैरह और रायता मिलता है, तो बहुत ही अच्छी प्लेट होती है, टेस्टी बहुत। और उसके बाद हमने मंचूरियन और नूडल्स भी ऑर्डर करे थे, दीदी और मेरा मंचूरियन और नूडल्स खाने का मन था तो हमने वो भी ऑर्डर करे थे साथ में, तो बहुत वो फंटेस्टिक टेस्ट, बहुत ही अच्छा टेस्ट था मंचूरियन और नूडल्स का भी, और ये जो हमने 2 प्लेट्स ली थी चुरचुर नान की इनका तो है ही अच्छा, हमने काफ़ी बार ट्राई करी है। अगर आपने अब तक अगर आप गुलशन मरीना सोसाइटी के आसपास रहते हैं तो आप ग्रेटर नोएडा ये राज रेस्टोरेंट का ट्राई कर सकते हैं, इनका जो खाना पीना है वो काफ़ी अच्छा है, और हमें तो ये जो चुरचुर नान वाली प्लेट है और ये मंचूरियन और नूडल्स वगैरह सब बहुत पसंद आया। हमारी सोसाइटी में फंक्शन भी था रात को, डीजे नाइट थी, और डीजे वगैरह लग के ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका, सब प्रिपरेशन हो गई थी, तो
अराउंड 9 o'clock के अराउंड, तो हम लोग खाना वाना खाने के बाद 10 बजे के अराउंड हम नीचे गए। हमने बहुत डांस किया और धीरे धीरे यहाँ पे गैदरिंग बढ़ती जा रही थी। जब हम गए थे तो थोड़ी कम गैदरिंग थी, बच्चे बच्चे इंजॉय कर रहे थे, और फिर हमने थोड़ा बहुत डांस करा यहाँ पे। उसके बाद हमने काफ़ी देर तक यहाँ दो ढाई घंटे तक डांस करते रहे हम लोग। बहुत बड़ा मज़ा आया, काफ़ी गैदरिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर मम्मी ने, आंचल दीदी ने और मैंने और सोसाइटी की बहुत सारी लेडीज़ थी, तो उन्होंने काफ़ी डांस करा, बहुत इंजॉय करा सबने। अब हम यहाँ डांस वगैरह पार्टी वगैरह इंजॉय करने के बाद हम थोड़ी बहुत देर बाद फिर ऊपर आ गए थे। जब 12 o'clock होने ही वाला था, न्यू ईयर का टाइम, पर थोड़ी देर पहले ही घर को थोड़ी चोट लग गई थी। वो भाग रहा था काफ़ी स्पीड से, तो उसके टीथ में चोट लग गई थी, तो हम ऊपर आ गए थे। तो ये देखिए न्यू ईयर पर इतने ज़्यादा बम वगैरह ये देखिए फोड़े गए, तो इतना अच्छा लग रहा था। हमारे एक्चुअली जो हमारा फ्लोर है वहाँ की बालकनी से सब दिखता है नीचे पार्क एरिया, तो हमने ऊपर से काफ़ी इंजॉय करा सबने। तो हम बालकनी में ही बैठ गए, तो सबने काफ़ी इंजॉय किया नीचे का सीन। तो होपफुली आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, इंजॉय।